केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात करता था, आज गंभीर भ्रष्टाचार के कारण जेल की सलाखों के पीछे है। सिर्फ कुछ दिनों के लिए वे अंतरिम जमानत के बाहर आए हैं और फिर उन्हें जेल जाना है। अभी वे जितना चाहे झूठ बोल ले, सच्चाई यह है कि उनके शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, जेल मंत्री, उप मुख्यमंत्री जेल में है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी व पी चिदंबरम भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप झेल रहे हैं और अभी बेल पर हैं। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल अभी बेल पर है, इसमें खुशी मनाने की कोई बात नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करता था, आज गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल की सलाखों के पीछे है। केवल चंद दिनों के लिए अंतरिम राहत मिलकर बाहर आए, उस पर भी कंडीशन लगी है और 2 जून को वापस अरविंद केजरीवाल जी को सरेंडर करके जेल जाना होगा। अब उससे पहले जितना मर्जी झूठ चीखो पुकार करने कर लें, सच्चाई ये है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री, उनके शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, चिदंबरम जी, ये भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप झेल रहे हैं और आजकल बेल पर हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल जी आजकल बेल पे हैं, उसमें खुशी मनाने की कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग चली है और भारत को भ्रष्टाचार से बचाना है, उसमें जांच एजेंसियां जांच कर रही है, कोर्ट अपना निर्णय दे रहा है, वो होता रहेगा। लेकिन अगर देश को भ्रमित करने का काम कोई करेगा तो देश जानता है।